नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड राज्य, जहां खिलाड़ियों के लिए विशेष खेल नीति की बात होती है, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं और साधन के साथ सहूलियत मुहैया कराने की बात होती है, बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल खिलाड़ी के साथ ही खेल के नियमों के कारण खिलवाड़ हो रहा है। खेल नीति के मौजूदा प्रावधानों के चलते आज वो खिलाड़ी मैदान पर जलवा दिखाने के बजाय खेत जोतने को मजबूर है। साफ तौर पर कहा जाए तो झारखंड की खेल नीति ने उसकी नियति बिगाड़ दी है और सरकार अभी भी इसे अनदेखा कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर बात करेंगे। झारखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात तो करती है, पर सूबे में थ्रोबॉल से जुड़े नियम खिलाड़ियों के साथ ही खिलवाड़ से कम नहीं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के अमरदीप कुमार ने कई मेडल जीते, पर स्वर्ण, रजत और कांस्य के मेडलों की उन्होंने भारी कीमत चुकाई है और आज इनका परिवार सोने चांदी के तमगों के बावजूद कर्ज में डूबा है। मदद करेगी तो मैं खेलूं, सरकार मदद नहीं करेगी तो उम्मीद नहीं है। उतना कर्ज लेके मेरे मम्मी पापा कितने कर्ज भर रहे। अमरदीप ने पढ़ाई से समझौता किया पर खेल के जुनून से नहीं। मलेशिया में गोल्ड मेडल जीता पर सोने का ये तमगा परिवार का पेट भरने के काम नहीं आता। पेट भरने के लिए इस स्वर्णिम खिलाड़ी को खेत जोतना और सब्जियां बेचनी पड़ती है। मलेशिया जाने के लिए लिया गया कर्ज का बोझ परिवार के कंधे से अब तक नहीं उतरा। उसके बाद में वो आया घर, पूरा न्यूज सब कुछ आया, पेपर ऊपर में सारा चीज आया, सब मंत्री सब भी बुलाया, ऐसा होगा वैसा होगा कह के। नवीन जसवाल जगह जाते जाते हम लोग थक गए। अभी तक भी हम लोग को सरकार कहीं से कोई मदद नहीं मिला। मेरा बेटा का रुचि भी अब धीरे धीरे उसका खत्म हो गया। जिन राज्यों में थ्रोबॉल मान्यता प्राप्त खेल है, वहां के खिलाड़ियों को अमरदीप ने परास्त किया, पर सरकारी उदासीनता ऐसे और खिलाड़ियों और जीत के बीच बाधा बनी है। न नाम, न पहचान, न प्रोत्साहन, न पैसा। किसान का है जो आत्महत्या कर रहे हैं, वही हाल आने वाले दिनों में खिलाड़ी का भी होगा, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य जीवन खेल को देने के बाद अगर कुछ नहीं पा पाएगा, कहीं वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो अपने आप को छला हुआ महसूस करेगा और गलत रास्ते पे जाने को मजबूर हो जाएगा। खेल निदेशक भी इस मामले में प्रतिभा से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। खिलाड़ी जो कि देश के लिए और राज्य के लिए जो नाम, सर अब कोई भी खेल में जाकर लोग ले आएंगे वो खेल। अब सर वो म्यूजिकल चेयर भी शामिल हो गया है, वो रस्सी कूदना भी खेल में शामिल हो गया है, तो उसमें कोई ले आएगा कहीं पे? जो ओलंपिक से, जो न वर्ल्ड ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है न भारतीय ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है, जो प्राइवेट एनजीओ कहीं कार्यक्रम करवाते हैं, अखबार में अच्छा देते हैं कि इंटरनेशनल हो गया, इसे कैसे मान लेंगे सर? आपको बताइए। खेल मंत्री भी देखेंगे कहकर मामले को अनदेखा कर आगे बढ़ गए। गोल्ड मेडलिस्ट है वो, आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और विभाग और चक्कर काट रहे हैं। वो गेम नहीं है मेरा एक्चुअली, वो आएंगे हम लोग तो देखेंगे। हम लोग वो गेम जो नहीं है वो गेम नहीं है। झारखंड सरकार मिट्टी खोद कर खनिज निकालने में जुटी है, पर स्वर्णिम प्रतिभा वाले खिलाड़ियों का भविष्य मिट्टी में मिल रहा और इनके लिए है तो बस सरकारी सहानुभूति और सुस्त पड़ा सिस्टम। रांची से न्यूज इंडिया के लिए मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। तो वो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुका है, वो केवल इस वजह से सरकारी सहूलियतों से महरूम रह गया है क्योंकि ओलंपिक के खेल सूची में थ्रोबॉल लिस्टेड नहीं है। ये एक वजह बताई जाती है अधिकारियों के द्वारा। हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए। मोइजुद्दीन, अमरदीप जिसने न केवल राज्य स्तरीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थ्रोबॉल में काफ़ी मेडल जीते हैं, इसके बावजूद वो सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं और अभी जीवन यापन के लिए खेत जोतने की स्थिति है उनके पास। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से बात करें झारखंड की, तो झारखंड हमेशा से ही इतिहास रहा है कि यहाँ से कई प्रतिभाशाली बच्चे, खास करके जैसा कि देखा जाए यहाँ के जो
अभी जो हमारे खेल रहे हैं यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर कल्पना हो जो तिरंगाज हमारी है, ऐसे कई यहाँ से प्रतिभाशाली बच्चे जो है वो बड़े होकर के अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए कई मेडल लाए हैं जिससे पूरे देश दुनिया में उनका नाम हो रहा है। और इसी तरह से उभरते हुए कई खिलाड़ी भी अभी भी जो राज्य का नाम और पूरे देश में अपना लोहा मनवाने के लिए है, लेकिन उन्हीं में से एक शामिल है अमरदीप जी जिन्होंने थ्रो बॉल में कई मेडल्स लाए हैं झारखंड राज्य के लिए। और इसके लिए कई बार अमर बावरी जी जो कि हमारे खेल मंत्री हैं यहाँ के, तो उनके द्वारा भी इन्हें सम्मानित भी किया गया और कई मेडल है, कई प्रमाण पत्र है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो उदासीन रवैये है उनके लिए कोई सहायता नहीं हो पा रही है। इसके वजह से आज ये खिलाड़ी जो है जो देश दुनिया में अपना नाम कर सकते थे, देश का नाम कर सकते थे, ये आज कहीं ना कहीं सब्जियां बेचने में सड़कों के किनारे सब्जियां बेचने पर मजबूर है। तो ऐसे में क्या होगा इन खिलाड़ियों का, ये तो देखने वाली बात होगी जी। और मौजूदीन, आपने खेल निदेशक से इस मामले में बात की तो उनका जवाब काफी निराशाजनक था। वो कह रहे हैं कि ओलंपिक लिस्ट में ये खेल शामिल नहीं है, इस वजह से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। लेकिन क्या झारखंड में खेल प्रतिभाओं को और बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए विशेष नीति भी तो है? बिल्कुल, नीति तो है दीपक। जैसा कि यहाँ पे जितने भी खेल है, यहाँ पे योगा खेल है और योगा है और ओलंपिक खेलों में झारखंड के लिए बहुत सारी खेल है, थाईलैंड रजत पदक है जीते, मतलब जिस तरह जितने भी खेल है उन लोगों को मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्या हो रहा है कि थ्रो बॉल के लिए इनके लिए कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में क्या होगा दीपक? बिल्कुल मौजूदीन, दूसरे राज्यों में भी, देश के दूसरे राज्यों में थ्रोबॉल को मान्यता प्राप्त खेल के तौर पर देखा जाता है और वहां खिलाड़ियों को तमाम सहूलियतें दी जाती है, पर झारखंड में इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है, जबकि झारखंड में अलग अलग खेलों से एक प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। बिल्कुल, आप यही देख लीजिए झारखंड के साथ यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, जितने भी जगह यहाँ पे मान्यता है थ्रो बॉल के लिए और खिलाड़ियों के लिए अलग से सुविधाएं भी सरकार देती है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो भाजपा शासित जो हरियाणा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को भी पदक लाने वाले लोगों के लिए भी 3 लाख रुपए के अवार्ड भी देती है, पुरस्कृत की जाती है। साथ ही आपका जो एकलव्य पुरस्कार जो होता है हमारे मध्य प्रदेश जो है वहां भी थ्रो बॉल के लिए। इसी तरह से बात करूं तो करीब करीब 24 राज्य ऐसे हैं जहां पे सरकार की तरफ से इन लोगों को इनके जो ऐसे खिलाड़ी होते हैं थ्रो बॉल के, इन लोगों को सुविधाएं, तमाम सुविधाएं दी जाती है और सहायता मिलती है। लेकिन हमारा जो झारखंड है यहाँ इसके लिए मान्यता नहीं है। ऐसा तो क्यों, मतलब ये एक सवालिया निशान होता है कि क्या राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला? ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीन रवैये है या फिर कहा जाए तो नाकामी है कि हमारे उभरते हुए खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो मौजूदा नहीं। क्या झारखंड में ओलंपिक में लिस्टेड तमाम खेलों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है जो ओलंपिक से मान्यता प्राप्त खेल नहीं है, या फिर केवल थ्रोबॉल के खिलाड़ियों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरह से बात करूं खिलाड़ी यहाँ पे, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये प्रतिभाशाली युवाओं का राज्य है और यहाँ से हमेशा ही प्रतिभाशाली छात्र जो है वो आगे बढ़कर खेलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो खिलाड़ियों के ऊपर जो सरकार का जो रवैया होता है ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही उदासीन रवैया जो है इसके साथ जितने भी। बिल्कुल मौजूदीन, बने रहिए हमारे साथ खुद थ्रोबॉल खिलाड़ी अमरदीप जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही संघ के अध्यक्ष भी हैं थ्रोबॉल के, और गौतम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थ्रोबॉल कोच हैं। तो सबसे पहले अमरदीप से जान लेते हैं क्या हाल है उनका, और जो मेडल अलग अलग स्तर पर उन्होंने जीते हैं उन मेडल्स का कोई फायदा भी उन्हें दिख रहा है क्या? अमरदीप जी, अमरदीप जी, आपने जो इतने मेडल्स हासिल किए हैं उन मेडल्स का कोई फायदा मिला है? सर अभी तक तो मेरे से सरकार से कुछ नहीं प्राप्त हुई है। सर मैं जब खेलने गया था प्रो बॉल जी मलेशिया कुआलालंपुर, उसके बाद रिटर्न हुआ, उसके बाद मैं फॉर्म वॉर्म भर के फिलअप करके खेल मंत्री के पास गया, विधायक जी के पास गया, सारे के पास दौड़ दौड़ के मैं थक गया हूँ। अभी तक मेरे को अभी तक सम्मानित हुई है ना मेरे को प्रोत्साहन राशि मिली है, और मैं अभी लेबर कुली का काम कर रहा हूँ। अमरदीप,
क्या आपको लगता है खेल में कोई कैरियर आगे आपके लिए है? सर कैरियर है तब मैं सर मैं खेल रहा हूँ। लेकिन झारखंड में कोई करियर दिख रहा है इन परिस्थितियों में ऐसे हालात में? सर झारखंड में तो बीजेपी का ही सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी, कर्नाटक में भी, वहाँ सारे को फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ फैसिलिटी खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। जी। ऐसा अभी तो झारखंड में किसाने आत्महत्या कर रही है, ऐसा एक दिन ऐसा आ जाएगा जो खिलाड़ी आत्महत्या करें। जी, हम उम्मीद करते हैं ये स्थिति ना बने और हम जरूर कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिले जिनके वो हकदार हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान हो। अमरदीप जुड़े रहिए हमारे साथ, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी से जानते हैं। राजेश जी, बतौर कांग्रेसी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, विपक्ष के एक नेता के तौर पर नहीं, खेल संघ के अध्यक्ष के तौर पर जानना चाहेंगे, क्या समस्या आ रही है थ्रोबॉल से जुड़े खिलाड़ियों को सहूलियतें मुहैया कराने में? देखिए, राज्य सरकार की जो खेल विभाग है और जो खेल मंत्री है और बिल्कुल खेल के प्रति रुचि कम और फोटो खिंचाने में अधिक ध्यान देते हैं। जैसे अमरजीत ने बताया ये कि बहुत ही मध्यम गरीब परिवार से आते हैं, इनके पापा इनके पिताजी सड़क किनारे सब्जी बेचते हैं और बार बार इन्होंने बताया कि इनके मंत्री से मिलने और स्थानीय विधायक से मिलने के बावजूद उनको आज तक कोई तरह का सुविधा नहीं दिया गया। उन्होंने अभी एक शब्द अमरजीत ने यूज किया था कि आत्महत्या। इस राज्य के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए अगर कोई खिलाड़ी शब्द का प्रयोग करते है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने के बाद अगर खिलाड़ी इतना दुखित हो जाए, इतना उन पर प्रेशर आ जाए और वो आत्महत्या की बात कर रही है, तो हमें लगता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार को इससे घिनौना शब्द का प्रयोग और कुछ नहीं हो सकता, उनको सर माननी चाहिए। दूसरी बात है कि जितने भी 24 राज्यों में थ्रोबॉल खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है, मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है थ्रोबॉल खिलाड़ियों को। कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक का सर्वोच्च खेल पुरस्कार से क्रीड़ा खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है थ्रोबॉल खिलाड़ियों को और वहां पाए भी है थ्रोबॉल के खिलाड़ी, उनको सम्मानित भी किया गया है। फिर हरियाणा में आप आ जाए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए का पुरस्कार उनको हरियाणा सरकार देती है थ्रोबॉल खिलाड़ियों को। फिर आ जाइए आप आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन सारे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी थ्रोबॉल खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है और सरकार नॉन ओलंपिक गेम के मार्फत भी उनको, उन खिलाड़ियों को सुविधा देती है। तो क्या माना जाए कि यहां संघ निष्क्रिय है और केवल सरकार के भरोसे खिलाड़ियों को रहना पड़ेगा? देखिए, आज तक संघ का कोई सुविधा सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं मिली है और जो अमरजीत जो हमारे छोटे भाई हैं जिन्होंने खेला अंतर्राष्ट्रीय जाकर के वहां पे और मेडल लिया उन्होंने, ये हम लोगों का ही प्रयास था जो उनको वहां पर मैंने भेज दिया। और राज्य सरकार की क्या दायित्व बनती है, एक सरकार अगर राज्य के कोई खिलाड़ी जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पंचम लहराते हैं और मेडल प्राप्त करते हैं देश के लिए, तो क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए? संघ की क्या भूमिका हुई इस पूरे प्रकरण में, ये समझ में नहीं आ रहा। संघ ने आदरणीय जो हमारे यहाँ के खेल मंत्री है उनसे जाकर के मिला, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में जो थ्रोबॉल खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है उसके बारे में बताया गया। अब अभी नई आई है AICTO, पूरे भारतवर्ष की यूनिवर्सिटी में इस खेल को जोड़ लिया गया है, झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी है वहां भी मैंने जुड़वा दिया है। तो अब कैसी चाहिए सरकार को, क्या चाहिए प्रमाण कि वैसे खिलाड़ियों जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको क्या सुविधा देती है? जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतुल जी, क्या लगता है जो खेल और खिलाड़ी हैं झारखंड में उनकी दुर्गति ही होनी है, कुछ बेहतर नहीं होना है उनके लिए, केवल कुछ चुनिंदा खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मार्केटिंग के लिए बेहद नाम वाले क्षेत्र हैं, उनके अलावा दूसरे खेल से जुड़े खिलाड़ियों को कोई सहूलियत नहीं मिलेगी? दीपक जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कुछ ऐसा हमारे यहाँ पर रहा है कि सिर्फ क्रिकेट को तरजीह मिलती रही है और हम थ्रोबॉल की बात करें तो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सैफ गेम्स हो, नेशनल गेम्स, उसमें इस गेम्स को अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्निशन नहीं मिला है। राजेश गुप्ता जी इसके फिलहाल प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे मित्र भी हैं और हम जरूर बात करेंगे कि कैसे हम इनको कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं खिलाड़ियों की जो थ्रोबॉल से जुड़े हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि थ्रोबॉल में को रिकॉग्निशन नहीं मिलने के कारण इन खेलों से
और जो सरकार के स्तर पर नौकरियों की बात होती है, स्कॉलरशिप्स की बात होती है, वो मिल नहीं पाता है क्योंकि इस गेम को सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन फिर भी आपके चैनल को साधुवाद कि आपने इनकी जो स्थिति है वास्तविक स्थिति से पूरे देश को रूबरू कराया है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जरूर राजेश जी के साथ बात करके बेहतर समन्वय बनाकर इनका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं, कई समस्याएं गिना रहे हैं। राजेश जी, तो जो मुख्य समस्या है केवल खेल की लिस्टिंग है या फिर कुछ और है? क्या राज्य अपने स्तर पर इन खेलों की लिस्टिंग कर खिलाड़ियों को सहूलियत नहीं दे सकता? आराम से दे सकती है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर वो कर सकती है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। अगर आप कोई टूर्नामेंट कराने जानते हैं जो नॉन ओलंपिक गेम है या सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो उसमें टूर्नामेंट कराने के लिए हम लोगों से पैसा लिया जाता है, खिलाड़ियों से पैसा लिया जाता है, संघ से पैसा लिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य का खेल मंत्री खेल ग्राउंड को व्यवसायिक पर्पज से यूज कर सकता है वो खिलाड़ियों पर क्या ध्यान देगा, सबसे पहला प्रश्न। और अमरजीत ने अपनी पीड़ा बताई है, अपनी दिल की पीड़ा बताई है। आपके जो रिपोर्टर हैं यहाँ के स्थानीय, उन्होंने उनके घर पर जाकर देखा उनकी क्या स्थिति है जी। अगर अब भी सरकार वैसे खिलाड़ियों को, मेधावी खिलाड़ियों को आगे नहीं लाएगी तो फिर हमें लगता है कि राज्य में जितने प्रतिभावान खिलाड़ी अलग अलग गेम्स में हैं उनकी भी तो दशा इसी प्रकार होगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नियति यही रही है, ये अगर कोई खिलाड़ी अभी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे यहाँ MS धोनी है, तीरंदाजी में है, ऐसे हॉकी में है और बहुत सारे गेम में है, मगर उन खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता। तो ओलंपिक और नॉन ओलंपिक यहाँ पर कुछ लोगों का, मतलब बोला जाए तो एक ग्रुप बना हुआ है, एक सिंडिकेट बना हुआ है खेल विभाग में। उन्हीं लोगों को ग्रांट भी करती है सरकार, उन्हीं लोगों को भेजती भी है जिनका कोई परफॉर्मेंस नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। और जो नॉन ओलंपिक गेम है, जो ओलंपिक गेम में नहीं है मगर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है और वो मेडल लेकर आ रही है, तो उनको इस प्रकार का अपमानित करना हमें लगता है कि इस राज्य के लिए बिल्कुल। और खेल और खिलाड़ी केवल मेडल के दायरे में सीमित नहीं होते हैं, खेल भावना भी एक बड़ी चीज होती है, टीम स्पिरिट होता है और खिलाड़ी जो खेल से जुड़े होते हैं उनमें जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का। तो इन सब की एक तरह से असमय हत्या की जा रही है राज्य में। प्रतुल जी नहीं, देखिए राजेश जी क्या बोल रहे थे वो बिल्कुल ऑडिबल नहीं था, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि किसी भी गेम को प्रोत्साहित जब तक हम सरकारी स्तर पर, जब तक फेडरेशन के स्तर पर नहीं करेंगे तो वो गेम मेन स्ट्रीम का गेम बनकर नहीं आ पाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही तकनीकी पहलू से अवगत करा दिया कि अनफॉर्चुनेटली किसी भी बड़े गेम्स में ये लिस्टेड नहीं है, जिसके कारण इनके खिलाड़ियों को जो इनका वाजिब हक है या जो इनको आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपके चैनल से इस वार्ता के बाद मैं राजेश जी से जरूर बात करूंगा और इसमें बेहतर सरकार के साथ समन्वय बनाकर हम क्या कर सकते हैं इस गेम को प्रमोट करने के लिए, इस गेम से जुड़े खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए हम जरूर किसी बेहतर रास्ते को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तकनीकी मुश्किलें हैं वो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं आपको ये भी वादा करता हूँ कि इन तकनीकी मुश्किलों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे और जो भी प्रक्रिया के अनुसार होगा उसको जरूर करके इन खिलाड़ियों को इनका वाजिब हक बने, राज्य में खेल का बेहतर एनवायरनमेंट बने जी, वो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्रतुल जी, आपने अपने व्यस्तता का हवाला दिया था, इतने देर तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने बाकी मेहमानों से भी बातचीत करते हैं, जिस तरह से ये आश्वासन मिला है हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी और सरकार दोनों इस दिशा में पहल करेगी। लेकिन इस बीच जब तक ये प्रक्रिया पूरी हो और इस लिस्टिंग और नॉन लिस्टिंग खेलों की सूची में बदलाव, कुछ सुधार की संभावना जगती है, तब तक खिलाड़ियों के हौसले पर किस तरह का असर पड़ेगा? थ्रोबॉल कोच गौतम सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौतम सिंह जी, क्या लगता है कि कुछ ऐसे खेल जिनका बड़ा बाजार है उसकी ओर युवा ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्रतिभा जो कुछ विशेष खेलों के लिए आवश्यक है वो खिलाड़ी गलत खेलों का रुख कर लेते हैं और दोनों ओर से दो नाव पर पैर रखने की वजह से उनके उस प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता? जी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली बात यह है कि कोई भी खिलाड़ी जब अपने किशोरावस्था में किसी भी खेल से जुड़ता है तो वो अपने रुचि के हिसाब से जुड़ता है जी। अगर किसी खिलाड़ी को एथलेटिक्स में रुचि है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो तीरंदाजी करे आपके हिसाब से। आपके अगर नॉर्म्स, सरकार के नॉर्म्स ये कहते हैं कि आप तीरंदाजी कीजिएगा तभी आपको
छात्रवृत्ति और कैश अवार्ड वगैरह प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो आप तो उसको फिर जबरदस्ती उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। खिलाड़ी जो है अपने रुचि के हिसाब से किसी भी खेल को चुनते हैं। मैं सुन रहा था बात, प्रतुल जी की भी बात सुन रहा था मैं, उन्हें शायद उनको जानकारी नहीं है या वो तैयारी करके आए नहीं थे। हमारे झारखंड सरकार का जो अधिसूचनाएं और संकल्प है उसमें खेल को जो परिभाषित किया गया है उसमें यही परिभाषा दी गई है, भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल ही खेल कहलाएंगे। जबकि ये कहां तक वाजिब है, ये एक नॉर्मल इंसान की तरह से आप सोचे तो आप एक किसी एक ऐसी संस्था को अपना लोगो बना रहे हैं खेल के लिए, जिसके ऊपर कई आरोप पहले से है। कोई ना कोई हर खेल होता है कहीं ना कहीं, वो नॉन ओलंपिक खेल होता है बाद में वो ओलंपिक से जुड़ता है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे खेल जो नॉन ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, आप अगर भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में बात करते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ में 12-15 खेल तो ऐसे हैं जो झारखंड में किए ही नहीं जा सकते हैं, उनको उनकी गतिविधियां यहाँ हो ही नहीं सकती हैं। आप आइस हॉकी की बात कर लीजिए, पोलो की बात कर लीजिए, नौकायन की बात कर लीजिए, ये सब खेल ऐसे 14-15 खेल हैं जो यहाँ पे हो ही नहीं सकते। तो ये 38-39 खेलों की सूची है जो भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है, उससे 15 खेल तो ऐसे हैं जो झारखंड में हो ही नहीं सकते। तो ऐसे जगह पे आप क्या कर रहे हैं? सरकार को चाहिए था कि ऐसे जगह पे वैसे नॉन ओलंपिक खेल जो झारखंड को भारत को पदक दिला रहे हैं, उनके खिलाड़ी अच्छे कर रहे हैं, उनको मौका दे, उनको उस स्थान पे रखे, अपने जो नॉर्म्स हैं उसको बदले। उसके अलावा अभी मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल, कि सारे अधिसूचनाओं और संकल्पों को पढ़ने के बाद भी मैंने ये चीज समझा है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो अमरदीप कुमार के को जो प्रोत्साहन देना था या उसको छात्रवृत्ति देनी थी, ये एक छोटा सा कोरम था। हर एक महीने सरकार की कैबिनेट होती है, कैबिनेट से पास करा के आप विशेष रूप से किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये भी काम पिछले 2 साल से सरकार के द्वारा नहीं हुआ, ये खेल डायरेक्टर भी बेहतर जानते हैं कि इसके अलावा भी कई और नॉन ओलंपिक खेल हैं जिनको इसी तरह से इन्हीं प्रक्रियाओं से। गौतम जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन खेल निदेशक से क्या उम्मीद लगाई जाए? जिस तरह से हमारे संवाददाता मोजुद्दीन ने जब उनसे बात की और उनका रुख देखा, उन्होंने साफ कहा कि आजकल तो लोग म्यूजिक चेयर को भी खेल कहते हैं और एनजीओ अलग अलग आयोजन करते रहते हैं, उसमें मेडल देते रहते हैं, तो ऐसे में हम उसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं मान सकते हैं, ये उनका रुख था। मोजुद्दीन एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खेल निदेशक से आपने बात की और वहीं मौजूद खेल मंत्री से भी बात हुई, तो दोनों इस मामले को टालते हुए दिखे और बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा इस मामले पर। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से हमारे झारखंड में पिछले बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ था यहाँ पे रांची के खेलगांव इंडोर स्टेडियम में, वहाँ पे कई खेलों को यहाँ पे सरकार ने बताया लोगों के सामने कि इस तरह के खेल जो होंगे अब झारखंड भी खेल के मैदान में आगे बढ़ती नजर आएगी। इसके साथ ही कई खेलों को यहाँ प्रदर्शित किया गया, लेकिन आखिरकार आज यहाँ पे थ्रू बॉल के जो खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं अपने प्रतिभावान होने के बावजूद भी आज दर दर भटकने को मजबूर है। और इसी को लेकर के जब हमने मंत्री जी से बात करनी चाहिए तो मंत्री जी कहीं ना कहीं मुंह फेरते नजर आए। इसे यही साबित होता है कि आज जैसे कि हमारे राज्य में जो किसानों की हालत है, इसी तरह से अब खिलाड़ियों की भी हालत होने वाली है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, ना कि मुंह फेरने की। दीपक जी, राजेश जी, क्या खेल मंत्रालय विभिन्न संघ के सदस्यों के साथ नियमित तौर पर टच में रहते हैं, तमाम समस्याओं पर बातचीत होती है, या फिर खेल संघ को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिस तरह से वो चल सकें चल लें? जो आपने बाद में बोला कि भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, तो यही सत्य है। आज तक राज्य सरकार की खेल मंत्रालय ना ही माननीय मंत्री, ना ही डायरेक्टर, ना ही खेल से जुड़े हुए विभागीय अधिकारी या कर्मचारी, कभी किसी ने खेल संघों के साथ कोई भी बैठक इस राज्य में नहीं किया है, और किया भी होगा तो ये जानकारी मुझे नहीं है। और जैसा अभी बता रहे थे गौतम जी, जो कोच है हमारे थ्रो बॉल के जी, वो तो इस प्रकार नॉन ओलंपिक गेम को ऐसा अछूता माना जा रहा है इस राज्य में कि जो भारतीय ओलंपिक संघ से जो अफिलेटेड गेम है वही गेम चलेंगे, जैसा गौतम जी ने बनाया। तो इस प्रकार अगर मन में कुंठा पहले से बैठी हो जी, मन में काला पहले से हो, तो दूसरे गेम को ये सरकार कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और जैसा मोहिदीन ने बताया कि यहाँ पर जो किसानों की हाल है आत्महत्या कर रही है, वैसा ही खिलाड़ियों का इन्होंने करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए,
कि खिलाड़ियों को ऐसा जगह दुखद परिस्थितियां, लेकिन अमरदीप जिस अमरदीप से हम चलते चलते जरूर एक प्रतिक्रिया और लेना चाहेंगे। अमरदीप, थ्रोबॉल एक ऐसा खेल है जिसके लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे तमाम खेल हैं जिसमें लाखों खर्च करना पड़ता है खिलाड़ियों को, लेकिन इसके बावजूद आपसे ये जानना चाहेंगे, आप तो निराश हो ही रहे हैं इस खेल में भविष्य को लेकर, क्या और दूसरे जो आपके साथी खिलाड़ी हैं वो इस खेल में आगे कुछ देखना चाहते हैं या फिर इस खेल में नए खिलाड़ी जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मेरे गेम में खिलाड़ी भी जुड़ेंगे और मेरे साथ जो खेल रहे वो भी आगे बढ़ेंगे। तो कैसे आगे बढ़ेंगे इस तरह की अगर सरकार की नीति रही तो? कोई बातचीत करने को आपसे भी तैयार नहीं होता सर? आपको और एक चीज बता दे रहे हैं हम जी, मैं खुद आत्महत्या करने जा रहा था, मेरे मम्मी पापा के कारण मैं अभी जिंदा हूँ। अमरदीप, ये समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या को और बढ़ाएगा। आप खिलाड़ी हैं, आप अपने हौसले से परिणाम परिवर्तित कर सकते हैं और भरोसा रखिए कि ये परिवर्तन जरूर होगा। ऐसी सोच भी न लाएं, खिलाड़ियों का हौसला और लोगों को प्रोत्साहित करता है। आप इस तरह से निराश होंगे तो आपका खेल प्रभावित होगा और दूसरे खिलाड़ी भी हतोत्साहित होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये विचार अपने दिमाग से निकाल दें, हमारी भरपूर कोशिश होगी। खेल संघ के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रयास करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि हम मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि इस दिशा में क्या पहल हो सकती है। तो ऐसे विचार आप बिल्कुल अपने दिमाग में ना लाएं, जरूर कुछ बेहतर होगा। और आप तो परिणाम परिवर्तित करने का हौसला रखते ही हैं और जो उपलब्धि आपने हासिल की है वो बिल्कुल सराहनीय है, काबिले तारीफ है, और इस दिशा में सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, प्रतुल शाहदेव जी, गौतम सिंह जी और अमरदीप, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।